नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपने एक सेशन में एमएस वर्ड पे किस तरह से लिस्ट बनाया जाता है और उसे किस तरह से नंबरिंग की जाती है, उसकी दूसरे दूसरे स्टाइल में अलग अलग चिन्ह के साथ, तो इसके बारे में हम बताएंगे। और बहुत सारे हैं जो लिस्ट से रिलेटेड चीजें हैं जो हम, तो इसे समझने से सबसे पहले आप अपना एमएस वर्ड ओपन कीजिए और एमएस वर्ड ओपन करने के बाद कुछ नाम लिख लीजिए या कुछ टेक्स्ट लिख लीजिए ताकि आपको ये ऑपरेशन करना समझ में आए और उसे समझ सके। तो चलिए देखते हैं। तो हमने अपने एमएस वर्ड में ये कुछ नाम लिख लिए हैं, अब चलिए इसको मैनेज करते हैं। तो लिस्ट को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कीजिए। अब हम अभी करने क्या वाले हैं, इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमाने वाले हैं। ठीक है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमाने के लिए क्या करना है, सारे नाम को सेलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है और यहाँ पे देखिए, ये देखिए सॉर्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके जो नेमों का लिस्ट था, नाम का लिस्ट था, वो ऑटोमेटिक अल्फाबेटिक ऑर्डर में जम चुका है। ठीक है, अब ये जो नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमा हुआ है, अगर आप इसे नंबरिंग करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, आप जिस स्टाइल में जाएंगे उस स्टाइल के साथ इसका एक लिस्ट बन जाएगा। जैसे कि आपको ये स्टाइल पसंद आ रहा है, ये स्टाइल पसंद आ रहा है, ये देखिए, तो आपका जो नाम का लिस्ट है वो ऑटोमेटिक एक स्टाइल के साथ लिस्ट बन चुका है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए हम इसे आसानी से बदल सकते हैं। ये तो रहे एक इमेज की बात है, अगर आप इसे नंबरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन रहेगा नंबरिंग का, क्लिक कीजिए, बहुत सारे नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जिस नंबर पे आप जाएंगे उस तरह के नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको कोई सा भी नंबर पसंद आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, तो ये देखो सभी 1 2 3 4 5 6 करके सिक्वेंस में बन गए। अभी मान लीजिए आप 3 के बाद फिर से 1 करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आइए, राइट क्लिक कीजिए और रीसेट एट 1, जहां से आप नंबरिंग को चेंज करना चाहते हैं वहां से वहां पे जाइए, अपने कर्सर को रखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा है राम के पास, और राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक रीसेट एट 1। तो जैसे ही हमने रीसेट एट 1 किया, ये 1 2 3 फिर से एक नया सीक्वेंस बनने लग गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है भाई, हम फिर से इसको 1 2 3 4 5 6 रखना चाहते हैं, फिर से वहां पे आइए, राइट क्लिक कीजिए, देखिए कंटिन्यू नंबरिंग, जब आप कंटिन्यू नंबरिंग करते हैं तो फिर से अपने सीक्वेंस में आ जाता है। ठीक है, ये तो रही नंबरिंग की बात। अब हम बात करेंगे मल्टी लेवल लिस्टिंग की। ये तो सिंगल लिस्ट हुआ, इसमें कोई लेवल नहीं है, मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है देखिए। जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये हरीश और राजा, ये जो नाम है ये किसके अंदर आ जाए, गीता के अंदर आ जाए। ठीक है, या फिर गीता के अंदर मैं कोई दूसरा नाम रखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप इसे इंटर कीजिए, एक बैक बटन दबाइए, अब उसके बाद हम लिख दीजिए, जैसे कि गीता के अंदर मैं ए लिखना चाहता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और इसे हम दे देते हैं इस तरह का नाम, ठीक, बी सी। तो आप देख सकते हैं कि गीता के अंदर ये देखो एक अलग लेवल बन गया। अब आप चाहते हैं गीता के अंदर जो एक बी करके नेम रखा हुआ है उसके अंदर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वहां पे अपना कर्सर लेके जाइए, इंटर बटन दबाइए, बैक स्पेस कीजिए ताकि उसका जो सीक्वेंस है वो मिट जाए, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए ताकि लगे कि ये इसके अंदर में है। अभी यहाँ पे लिख दीजिए एक्स इंटर, अभी एक्स को आप कोई सा भी एक स्टाइल दे दीजिए, हमने इसको क्या दे दिया, ए, वाई, तो आप देख सकते हैं कि गीता एक मेन नेम है, उसके अंदर में ए बी और सी, देखो ये 3 नाम रखे हुए हैं। अब इन ए बी सी में से बी एक नाम है, इसके अंदर में हमने एक और लिस्ट बना दिया ए बी सी, जिसमें ए में है एक्स, बी में है वाई और सी में है जेड। तो इस तरह से आप
मल्टी लेवल लिस्ट भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अभी मान के चलिए कि आपको अगर ये लिस्ट पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मल्टी लेवल लिस्ट का सीक्वेंस दिया हुआ है। आप अपने नामों को सिलेक्ट करके कोई सा भी मल्टी लेवल लिस्ट सिलेक्ट कीजिए और देखिए ये सारे नाम जो है आपस में अपने आप उस लिस्ट में कन्वर्ट हो गए। सपोज करो आपको इसमें से भी कोई लिस्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप अपना नया मल्टी लेवल लिस्ट डिसाइड कर सकते हैं और डिफाइन करके अपने हिसाब से एक नया लिस्ट बना सकते हैं और बना के उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप अपने लिए नया मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। कहाँ से? मल्टी लेवल लिस्ट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक तो चेंज लेवल से आप अपने लिस्ट के लेवल को चेंज कर सकते हैं, और अगर न्यू लिस्ट बनाना चाहते हैं तो डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल में जाइए, और यहां से आप अपना खुद का एक नया स्टाइल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टाइल पे अपना नाम दीजिए, जैसे कि मैंने ये दे दिया स्टार्टेड 1 लेवल 3rd लेवल। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपने क्या किया 6th लेवल, तो देखिए 6th लेवल का बन गया। यहाँ पे आप कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल दे दीजिए, और आप अपने फॉन्ट का साइज बोल्ड करना चाहते हैं कि इटैलिक करना चाहते हैं, और ये देखिए तो आपका एक लिस्ट बनकर तैयार हो गया। और लिस्ट आपको कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पे देखिए आपको अपना लिस्ट दिखाई देगा आसानी से। अच्छा ठीक है, जो लिस्ट बनाए हैं वो ऑटोमेटिक इसमें वर्क कर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एक लिस्ट भी बना सकते हैं और लिस्ट बना के उसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की कि किस तरह से लिस्ट बनाते हैं, और इतने में हम आज के टॉपिक को क्लोज करते हैं। धन्यवाद।